तो सबसे पहले बताया जाता है कि कोरिया की स्टेट में चाइनीज और कोरियन गैंग काफी तेजी से बढ़ रही थी, जिसके चलते आसपास के लोग काफी दिक्कत में आ रहे थे। इसलिए 2004 में पुलिस ने ऑपरेशन शुरू किया जिसमें सभी गैंग का सफाया करना था, और ये मूवी उसी घटना पर आधारित है। खैर, चाइनाटाउन में दिखाया जाता है कि दो मुस्टंडे आपस में लड़ाई कर रहे थे कि तभी स्टीफन आकर मामले को संभाल लेता है, और स्टीफन को देख चाइनाटाउन के लोग काफी खुश हो जाते हैं और मुस्टंडे परेशान। अब इससे आप अंदाजा लगा लो कि स्टीफन का कितना खौफ है। खैर, इसके बाद स्टीफन एक विक्टिम को मिलता है जिसे नाइफ से स्टैब किया गया था, और ये विक्टिम वेनम गैंग का मेंबर है, और अपने गैंग मेंबर की हालत देख गैंग लीडर वेनम अपने लोगों को काम पर लगा देता है कि जिसने ये काम किया उसे ठिकाने लगा दो। लेकिन तभी यहाँ पर स्टीफन आ जाता है जो कि एक ही थप्पड़ से सबको शांत कर देता है। खैर, इसके बाद वेनम स्टीफन को कहता है कि हमारे आदमी को हुलैंग ने स्टैप किया जो कि ईशू गैंग का मेंबर है, और ये गैंग चाइनीज और कोरियन गैंग से मिलकर बनी है। लेकिन स्टीफन उसे कहता है कि इस मामले को मैं संभालूंगा, जिसके बाद स्टीफन हुलैंग के पास जाता है, और स्टीफन को देख हुलैंग डरकर भागने लगता है, लेकिन कुछ ही दूरी पर स्टीफन उसे पकड़ लेता है। खैर, इसके बाद हम जैंग को देखते हैं जो कि चाइनीज गैंग ब्लैक ड्रैगन का लीडर है, जो कि अपने साथी सियुंग और यांग के साथ काम करता है, और ये तीनों सियोल के चाइनाटाउन में ज्यादा ब्याज पर लोन देते हैं, लेकिन जो इंसान लोन नहीं चुका पाता उसे बहुत ही टॉर्चर किया जाता है, जिसका एग्जाम्पल आपके सामने है। खैर, इसके बाद स्टीफन जाकर जेंगसू को मिलता है जो कि ईशू गैंग का लीडर है, और यहाँ स्टीफन जेंगसू को कहता है कि अपने मामलों को शांति से निपटाया करो, मुझे मेरे इलाके में कोई सरदर्दी नहीं चाहिए। जिसके बाद स्टीफन जेंगसू और वेनम को दोस्ती करने को कहता है कि एक दूसरे से वादा करो आगे से ये सब नहीं करोगे, और स्टीफन के जाते ही वेनम के आदमी की कॉल आती है जिसने जैंग से $40,000 का कर्जा लिया था जो कि ब्याज के साथ $1,00,000 बन चुका था। इसलिए जैंग वेनम को अपने पास बुलाता है क्योंकि अब उसे एक की जगह $2,00,000 चाहिए क्योंकि उसका काफी समय बर्बाद हो चुका है। लेकिन वेनम पैसों की जगह जैंग को जलील करने लगता है, जिसे सुनते ही जैंग वेनम को स्टैप कर देता है, जिसके बाद वो कहता है कि अब वो पैसे मैं तेरी गैंग से पूरे करूंगा। अब जैंग की हरकत से आप लोग अंदाजा लगा लो कि जैंग पैसों के लिए क्या कर सकता है। खैर, दूसरी तरफ गैंग लीडर वेंग स्टीफन को पटाने में लगा था क्योंकि इसी की जगह पर वेनम का आदमी जख्मी था, इसलिए वेंग को डर था कि कहीं ये भी इस मामले में ना फंस जाए। लेकिन स्टीफन ने सारा मामला संभाल लिया, और तभी हम ब्लैक ड्रैगन्स को देखते हैं जो कि वेंग के क्लब में आए थे, जहां स्टीफन भी पूरी मस्ती कर रहा था। लेकिन सुबह होते ही स्टीफन को पता चलता है कि यहाँ के एम्प्लॉय का तीनों ने हाथ काट दिया क्योंकि वो तीनों को बदतमीजी करने से रोक रहा था, जिसके बाद यहाँ की लड़की ऑफिसर को कहती है कि वो लोग चाइनीज एक्सेंट में बात कर रहे थे, और उनकी बातों से मुझे पता चला कि वो लोग GS एरिया से थे। जिसके बाद वेंग अपने लोगों को कहता है कि तीनों को जल्दी ढूंढो क्योंकि उन्होंने मेरे भाई जैसे आदमी को मारा। खैर, इसके बाद हम एडम को देखते हैं जो कि वेनम गैंग का मेंबर है, और यहाँ वो कर्जे के पैसे जैंग को वापस कर रहा था, लेकिन पैसे पूरे ना होने के कारण जैंग उसे कहता है कि मैंने तुझे इसलिए जिंदा रखा ताकि तू कर्जे के पैसे पूरे कर सके। लेकिन एडम उसे कहता है कि मैं इतनी जल्दी पैसे पूरे नहीं कर सकता क्योंकि ईशू गैंग के पास ज्यादा बिजनेस है और हमारे पास बहुत ही कम। और इधर CCTV फुटेज से स्टीफन को तीनों का पता चलता है, लेकिन क्वालिटी अच्छी ना होने के कारण तीनों की शक्ल दिखाई नहीं देती। जिसके बाद स्टीफन जाकर जेंगसू को मिलता है, जहां वो जेंगसू को कहता है कि मुझे ये तीनों चाहिए, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो उनकी जगह मैं तुझे जेल में डाल दूंगा क्योंकि तेरी शक्ल उनमें से एक गंजे से मिलती है। और थोड़ी देर बाद स्टीफन को वेनम की डेड बॉडी मिलती है जिसे बेरहमी से काटकर कचरे में फेंक दिया गया था, और तभी स्टीफन की नज़र गार्बेज ट्रक पर पड़ती है जिसमें बचे हुए बॉडी पार्ट थे, और इन्हें देख स्टीफन भी काफ़ी परेशान हो जाता है। और इधर जैंग वेनम की गैंग के साथ मिलकर जेंगसू के एरिए में तोड़फोड़ करने लगता है, और एडम को देख जेंगसू समझ जाता है कि ये सब वेनम कर रहा है। लेकिन अंदर आते ही उसकी मुलाकात होती है जैंग से, जहाँ जैंग जेंगसू को कहता है कि आज से ये जगह मेरी, और आज के बाद मुझे आसपास भी दिखाई मत देना,
नहीं तो बहुत बुरा होगा। जिसके बाद एडम और जैंग के लोग आसपास के दुकानदारों से जबरदस्ती पैसे वसूल करने लगते हैं, जिससे जैंग को बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा था। और उसी रात जैंग एडम की वाइफ के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिसे देख एडम पूरी तरह टूट जाता है। और इधर स्टीफन को इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मिलती है कि तीनों चाइनीज गैंग ब्लैक ड्रैगन का हिस्सा हैं, जो कि पैसों के लिए अपने बाप को भी मार सकते हैं। जिसके बाद स्टीफन के फोन पर सारी इन्फॉर्मेशन भेज दी जाती है। जिसके बाद स्टीफन अपनी टीम के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है कि तभी उनके सामने जैंग आ जाता है, जिसे देखते ही स्टीफन पहचान जाता है। लेकिन जैंग भी काफी तेज है, वो स्टीफन को देख समझ जाता है कि ये सारे पुलिस ऑफिसर हैं, जिसके चलते यहाँ पर भारी हलचल मच जाती है, जिसकी आड़ में तीनों यहाँ से भाग जाते हैं। और इधर एडम अपनी बीवी को पीट रहा था क्योंकि वो जैंग को मार नहीं सकता। और तभी वैंग के आदमी आकर एडम को अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि एडम ने जैंग के साथ मिलकर वैंग के इलाके पर भी कब्जा कर लिया, इसलिए वैंग एडम को टॉर्चर कर रहा था। जिसके बाद एडम वैंग को सब बता देता है कि कैसे जैंग ने अपने पैसे पूरे करने के लिए वैनम गैंग पर कब्जा किया, और अब वो सभी गैंग को खत्म कर खुद सबका बॉस बनना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर वो बहुत से पैसे कमा सकता है। खैर, इसके बाद स्टीफन उसी रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ एक बच्चा स्टीफन को अपना हीरो मानता है। और उसी रात जैंग के अड्डे पर जैंगसू के आदमी अटैक कर देते हैं, जिसके चलते यैंग और श्योंग जैंगसू को सबक सिखाने निकल पड़ते हैं। लेकिन रस्ते में उन्हें जैंगसू घेर कर मारने लगता है, लेकिन दोनों ही जैंगसू की गैंग पर भारी पड़ रहे थे कि तभी यहाँ पर स्टीफन पहुँच जाता है, जहाँ स्योंग स्टीफन के आड़े आ जाता है और यैंग यहाँ से बचकर भाग जाता है, जो कि भागने के बाद सारी सिचुएशन फोन पे जैंग को बता देता है। जिसके बाद स्टीफन स्योंग से बाकी दोनों के बारे में पूछता है, लेकिन स्योंग स्टीफन को गालियाँ देने लगता है, जिसका जवाब स्योंग को काफ़ी भारी पड़ता है। लेकिन तब भी स्योंग उन्हें कुछ नहीं बताता, वो उल्टा खुद को ही मारने की कोशिश करता है। खैर, इसके बाद हम जैंगसू को देखते हैं जो कि अपने फैमिली फंक्शन में बिजी था कि तभी यहाँ पर यैंग आ जाता है, जो कि पूरे फंक्शन में हल्ला कर देता है, जिसके थोड़ी देर बाद जैंग आकर जैंगसू को मार देता है। और ये खबर को टीवी पर देख स्टीफन और बाकी ऑफिसर टेंशन में आ जाते हैं, जिसके बाद स्टीफन का चीफ उन्हें दूसरे ऑफिसर से मिलवाता है जो कि जैंग के केस को अपने हाथ में लेने आया था। और तभी हम जान पाते हैं कि चाइना में जैंग मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, इसलिए वो चाइना से भागकर कोरिया गया। खैर, अब स्टीफन और कैप्टन जून चीफ को अपने झूठ में फंसा लेते हैं कि हम केस के बहुत ही नज़दीक हैं और जैंग की गैंग अब बढ़कर बहुत ही बड़ी हो चुकी है, इसलिए हमें 10 दिन का समय चाहिए, जिसके चलते दूसरा ऑफिसर कैप्टन से लड़ने लगता है। लेकिन ये पैंतरा कैप्टन और स्टीफन के काम आ जाता है। फिर थोड़े दिन बीतने के बाद जैंग कुछ बिजनेसमैन को मिलता है जिनकी प्रॉपर्टी पर वैंग के लोगों का कब्जा था, और इसके बदले में वो जैंग को $500,000 ऑफर करते हैं। लेकिन जैंग उनसे $1,000,000 की डिमांड करता है कि अगर मुझे 1,000,000 मिले तो तुम्हारा काम हो जाएगा, नहीं तो अभी मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। और मौका देखकर एडम वैंग के लोगों को जैंग का पता बता देता है, जिसके चलते वैंग के लोग जैंग को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों ही यहाँ से भाग जाते हैं। पर इसमें जैंग का आदमी काफ़ी जख्मी हो जाता है, और तभी एडम अपना बदला लेने की सोचता है, लेकिन यहाँ पर एडम की मौत हो जाती है। खैर, इसके बाद स्टीफन टाउन के लोगों को इकट्ठा करता है कि जब भी कोई गैंग मेंबर आपसे पैसे लेने आए तो उनकी फ़ोटो खींच लेना, क्योंकि इससे हम सभी गैंग को पकड़ सकेंगे। जिसके बाद टाउन के सभी लोग गैंग वालों की फ़ोटो खींच लेते हैं, जिन्हें देख कैप्टन स्टीफन को कहता है कि टोटल 26 मेंबर हैं जिन्हें एक हफ्ते के अंदर पकड़ना होगा। पर स्टीफन कैप्टन को कहता है कि हमें एक दिन में सबको पकड़ना होगा, क्योंकि ज़्यादा देर करने से ये सब भाग सकते हैं। फिर दूसरे दिन दो चाइनीज ऑफिसर सियोंग को लेने आते हैं, जहां स्टीफन सियोंग को समझाने की कोशिश करता है कि मुझे जैंग का पता दे दो, मैं तुम्हें बचा लूंगा, नहीं तो चाइनीज गवर्नमेंट तुम्हें मार देगी। खैर, इसके बाद दोनों चाइनीज ऑफिसर ड्रग्स को लेकर बात करने लगते हैं कि हमें कोरिया में ड्रग्स बेचने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ेगी जो कि कोरिया को अच्छे से जानता हो। और तभी सियोंग उन्हें डील देता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं, जिसके चलते चाइनीज ऑफिसर उसे एयरपोर्ट से ही भगा देते हैं कि बाद में हमें इस नंबर पर कॉल करना,
लेकिन ये सब स्टीफन की चाल थी, जिसके चलते स्युंग जाकर जेंग को मिलता है। लेकिन जेंग को इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही थी, लेकिन स्युंग उसे भरोसा दिलाता है। इसके बाद तीनों ऑफिसर को मिलने का तय करते हैं, लेकिन ऑफिसर को मिलने सिर्फ स्युंग और येंग ही पहुंचते हैं। और रही बात जेंग की, वो वेंग को ख़त्म करने उसके अड्डे पर पहुंचता है, लेकिन यहां पर वो जेंग से बचने में कामयाब रहता है, जिसे ऑफिसर स्युंग देख लेता है और वो जेंग का पीछा करते हुए उसके अड्डे पर पहुंच जाता है। जिसके बाद वो स्टीफन को कॉल कर जेंग के अड्डे पर आने को कहता है, लेकिन जल्दी ही जेंग को स्युंग का पता चल जाता है, और इससे पहले वो स्युंग को मार पाता तभी स्टीफन आकर उसे बचा लेता है। लेकिन एक बार फिर से जेंग यहाँ से भाग जाता है, जो कि उसी बच्चे के रेस्टोरेंट में पहुँचता है, जहाँ जेंग को पता चलता है कि ये लोग मिलकर उनकी खबर पुलिस को दे रहे थे। इसलिए जेंग बच्चे को मारकर भाग जाता है, और बच्चे की हालत देख स्टीफन और भी गुस्से में आ जाता है। लेकिन हॉस्पिटल जाने से पहले वो बच्चा स्टीफन को बता देता है कि जेंग फोन पर बात कर रहा था कि वो जल्दी ही चाइना के लिए निकलने वाला है। जिसके बाद हम जेंग को देखते हैं, जो कि एयरपोर्ट के वॉशरूम में तैयार हो रहा था, और तभी स्टीफन आकर उसे कहता है कि तुम तो कोरिया में टैक्स भी नहीं भरते, तो इतने टिश्यू बर्बाद करने का क्या मतलब भाई। जिसके बाद दोनों में अमेजिंग फाइट होती है, और आखिर में कोरियन मॉन्स्टर जेंग का हाथ तोड़ देता है, और उसे कंट्रोल करने के बाद स्टीफन यहाँ से चला जाता है। और थोड़े दिन बाद बाकी गैंग का भी सफाया हो जाता है। फिर काफी दिन बाद स्टीफन अपनी पुरानी जिंदगी जीने लगता है, और इसी के साथ ये मूवी की कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो कहानी सिंपल सी है, कोरिया में चाइनीज और कोरियन गैंग बहुत ही तंग कर रहे थे, इसलिए कोरियन पुलिस ने सबको साफ कर दिया, लेकिन मूवी के हिसाब से काफी चीजें बदली गई। खैर, तो ये थी कहानी कोरियन क्राइम की। तो कहानी शुरू होती है वियतनाम से, और यहीं हम जान पाते हैं कि हर साल 300 से ज्यादा क्रिमिनल साउथ कोरिया को छोड़कर साउथ ईस्ट एशिया में भाग जाते हैं, जो कि वहां के देशों में कोरियन बिजनेसमैन और अमीर लोगों को लूट लेते हैं, जिसमें किडनैपिंग के साथ ढेर सारे क्राइम शामिल हैं। खैर, इसके बाद हम एंडी को देखते हैं, जो कि साउथ कोरिया के बिजनेसमैन मिस्टर चॉय का बेटा है, और यहाँ पर एंडी कुछ कोरियन लोगों के साथ मिलकर वियतनाम में रिजॉर्ट बनाने का प्लान बनाता है। और कुछ ही देर में एंडी की मुलाकात कैंग से होती है, जो कि एंडी से थोड़ी बात करने के बाद उसे टॉर्चर करने लगता है, जिसका कारण था पैसे। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि ये लोग कैसे कोरियन लोगों को फंसाते हैं। खैर, इसके बाद शीन शिफ्ट होकर साउथ कोरिया की तरफ मुड़ता है, जहां स्टीफन के एरिया में असाइलम से भागा हुआ साइको लोगों को तंग कर रहा था, जहां उसने दो फीमेल्स को एक मल्टी स्टोर में बंदी बना रखा था। और तभी एंट्री होती है स्टीफन की, जो कि चलाकी से स्टोर के अंदर घुस जाता है, लेकिन साइको उसे देख लेता है, जिस कारण दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन स्टीफन फाइट के मामले में सबका बाप है, इसलिए एक ही पंच में वो साइको की बैंड बजा देता है, जिसे देख जनता काफी खुश हो जाती है। लेकिन मीडिया स्टीफन की हरकत से बिल्कुल भी खुश नहीं था, जिस कारण न्यूज़पेपर में स्टीफन की बुराई छप जाती है, जिसे देख बाकी ऑफिसर स्टीफन का मजाक उड़ाने लगते हैं कि आप ऑफिसर कम और रशियन गैंगस्टर ज्यादा लगते हो। खैर, कुछ ही देर में स्टीफन का कैप्टन उसे एक फाइल देता है, जिसमें हम तीन क्रिमिनल को देखते हैं, जो कि काफ़ी समय पहले ज्वेलरी शॉप को लूटकर साउथ कोरिया से वियतनाम भाग गए थे, और अब उनमें से एक ने वहां की पुलिस को सरेंडर कर दिया, जो कि अब चाहता है कि उसे कोरियन सरकार सजा दे, यानी कि उसे साउथ कोरिया की जेल में डाल दिया जाए। खैर, अब वियतनाम जाने के लिए कैप्टन खुद को और स्टीफन को चुन लेता है, और वियतनाम आते ही कैप्टन और स्टीफन को ऑफिसर पाक मिलता है, जो कि यहाँ पर उनकी मदद करेगा। लेकिन वियतनाम में कोरियन पुलिस की नहीं चलती, और तभी स्टीफन कुछ गैंगस्टर को देखता है जो कि कोरियन थे, जिसके बाद स्टीफन की मुलाकात उसके पुराने साथी से होती है, जो कि उसे वॉर्न करता है कि यहाँ पर सावधानी से रहना, क्योंकि यहाँ पर गैंगस्टर वेपन्स के साथ घूमते हैं। खैर, दूसरे दिन स्टीफन नोटिस करता है कि बहुत से कोरियन लापता हैं, जिसके बाद स्टीफन को पता चलता है कि जिस क्रिमिनल ने खुद को सरेंडर किया उसे अपने कर्मों का गिल्ट है, जिसे सुन स्टीफन और कैप्टन हंसने लगते हैं। खैर, इसके बाद कैप्टन और स्टीफन उसी क्रिमिनल के पास जाते हैं, जिसका नाम है जूंग, जहां स्टीफन उसे कहता है कि तुमने सरेंडर क्यों किया, मुझे सब जानना है,
लेकिन जोंग स्टीफन को सीरियस नहीं लेता, जिसके बाद स्टीफन अपने जादू को शुरू करता है, जहां काफी मार खाने के बाद जोंग उसे कहता है कि मेरा दोस्त जेडी मुझे मारना चाहता है क्योंकि मैंने उसकी गर्लफ्रेंड को छेड़ा था। और जेडी का एड्रेस लेकर दोनों उसकी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें जेडी की लाश मिलती है, जिसे देख कैप्टन समझ जाता है कि इसका किसी ने खून कर दिया, यानी कि मामला कुछ और है। जिसके बाद स्टीफन को जोंग से पता चलता है कि तीनों ने मिस्टर चॉय के बेटे एंडी को पैसों के लिए किडनैप किया था, लेकिन एंडी से इन्हें ज्यादा पैसे नहीं मिले, जिस कारण तीनों की कैंग और उसके साथी से बहस हो जाती है क्योंकि इतने कम पैसे 5 लोगों में कैसे डिवाइड होंगे। और इसी बीच एंडी मौका देखकर यहां से भाग जाता है, लेकिन जल्दी ही तीनों से पकड़ लेते हैं, जहां एंडी उन्हें कहता है कि मेरे होटल के रूम में ढेर सारे पैसे और गोल्ड पड़ा है, उसे लेकर मुझे छोड़ दो। और ये कहते ही कैंग आकर उसे मार देता है, जिसके बाद वो जोंग के साथी को भी मार देता है क्योंकि वो कैंग को हल्के में ले रहा था। और इसे देख जेडी और जोंग की हालत खराब हो जाती है, जिसके चलते कैंग दोनों को काम पर लगा देता है कि अपने साथी और एंडी को ठिकाने लगा दो। और कुछ ही देर में कैंग का साथी एंडी के रूम से सारा पैसा और गोल्ड लेकर आ जाता है, जो कि टोटल $2,00,000 थे, लेकिन तब भी कैंग का मन नहीं भरता, जिसके चलते वो एंडी का हाथ काटकर मिस्टर चॉय को फोटो भेज देता है कि तुम्हारे बेटे के बदले मुझे $5,00,000 चाहिए। खैर, फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां जोंग ने कहता है कि 2 दिन पहले कैंग को पैसे मिल चुके थे, लेकिन उसने मिस्टर चॉय का बेटा उन्हें नहीं दिया क्योंकि वो तो पहले ही मर चुका था। इसलिए कैंग का साइकोपन देख जेडी और मैं वहां से भाग गए, लेकिन मिस्टर चॉय के लोग और कैंग मेरे पीछे पड़ा है और शायद कैंग ने जेडी को मार दिया। खैर, अब जोंग से स्टीफन कैंग के ठिकाने का पता लेता है, जिसके बाद स्टीफन कोरिया में फोन करता है कि कैंग और एंडी के बारे में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। और कुछ ही देर में उन्हें कैंग के अड्डे पर 3 लाशें मिलती हैं, जिनमें से एक एंडी की थी। और इसी बीच स्टीफन का आदमी उसे कहता है कि राकू नाम की गैंग कैंग को ढूंढ रही थी। और तभी यहाँ के ऑफिसर आ जाते हैं, जो कि स्टीफन और कैप्टन को यहाँ से जाने को कहते हैं। और दूसरी तरफ हम राकू गैंग के आदमी चीकी को देखते हैं, जो कि मिस्टर चॉय की गैंग को कैंग की लोकेशन पर ले जाता है, जहाँ पर चॉय के लोगों को सारा पैसा मिल जाता है। और इधर स्टीफन राकू गैंग के पास आता है, जहाँ थोड़े एक्शन के बाद स्टीफन को पता चलता है कि कोरिया से राकू गैंग के लिए काम आया था, जहाँ पैसों के बदले में इन्हें कैंग का पता देना था, और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि मिस्टर चॉय ने दिया था। खैर, इसके बाद स्टीफन को पता चलता है कि मिस्टर चॉय मिलियंस ऑफ डॉलर का मालिक है, लेकिन अपने बेटे की न्यूज़ उसने बाहर आने नहीं दी और शायद वो चोरी से खुद ही मामले को संभालने में लगा है। इसलिए स्टीफन अपने लोगों को काम पर लगा देता है कि मिस्टर चॉय पे नज़र रखो। और इधर कैंग अपने रूम में पहुंच जाता है, जहां चॉय के लोग उसे मारने को बेताब थे, लेकिन कैंग समझ चुका था, जिसके बाद कैंग और उसका साथी चॉय के लोगों पर टूट पड़ते हैं। और थोड़े एक्शन के बाद कैंग को पता चलता है कि ये लोग मिस्टर चॉय के थे, जिसके बाद कैंग चॉय को फ़ोन करता है कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, नहीं तो मैं कोरिया आकर तुम्हें मार दूंगा। लेकिन चॉय कैंग को सीरियस नहीं लेता। और कुछ ही देर में कैप्टन और स्टीफन भी कैंग के रूम में पहुंच जाते हैं, और कुछ ही देर में कैप्टन के ऊपर कैंग हमला कर देता है, जिसके बाद कैंग और उसका साथी स्टीफन पर टूट पड़ते हैं। और एक अमेजिंग एक्शन के बाद कैंग यहां से भाग जाता है, लेकिन उसका आदमी स्टीफन के आड़े आ जाता है, जिसके बाद कैप्टन को हॉस्पिटल भर्ती कर दिया जाता है, जहां स्टीफन की टीम उसे कैंग के बारे में बताती है कि कैंग एक साइको क्रिमिनल है, जो कि लोगों को किडनैप कर पैसों की डिमांड करता है, लेकिन पैसे आने के बाद वो विक्टिम को जिंदा नहीं छोड़ता। जिसके बाद कैंग के आदमी से स्टीफन को पता चलता है कि मिस्टर चॉय से पैसे लेने कैंग कोरिया चला गया, जिसके बाद स्टीफन और कैप्टन भी जोंग के साथ कोरिया जाते हैं, लेकिन साथ ही वो एंडी की डेड बॉडी भी लेकर आते हैं ताकि आखिरी बार उसकी माँ उसे देख सके। जिसके बाद स्टीफन जाकर जेंगसू को मिलता है, जिसे आप पार्ट 1 में देख चुके हो। और यहाँ स्टीफन को जेंगसू से पता चलता है कि बोट के जरिए कैंग और बाकी क्रिमिनल कोरिया आते जाते रहते हैं, और इन्फॉर्मेशन लेकर स्टीफन यहाँ से चला जाता है। और इधर मिस्टर चॉय को भी कैंग का पता चल जाता है
कि वो कोरिया में इंटर कर चुका है। जिसे सुन मिस्टर चॉय अपने आदमी को कहता है कि मुझे कैंग चाहिए, वो जिंदा हो या मरा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। और इधर स्टीफन का चीफ कैप्टन और स्टीफन पर भड़क जाता है क्योंकि वियतनाम के इंसिडेंट के कारण उसे अपने सीनियर ऑफिसर से काफ़ी सुनने को मिल रहा था। लेकिन एक बार फिर से कैप्टन और स्टीफन चीफ को अपनी बातों में फंसा लेते हैं, जिसके चलते चीफ दोनों को कहता है कि 7 दिनों के अंदर कैंग को जल्दी से जेल में डालो। और कुछ ही देर में वो कैंग को ढूंढ लेते हैं, लेकिन जल्दी ही कैंग अपनी लोकेशन को बदल लेता है। जिसके बाद स्टीफन की टीम एंडी को श्रद्धांजलि देने जाती है, जहां एंडी की माँ स्टीफन का धन्यवाद करती है कि उसके बेटे की डेड बॉडी वो वियतनाम से कोरिया लेकर आया। खैर कुछ ही देर में पूरी टीम चॉय के लोगों में फैल जाती है, जिसके बाद मिस्टर चॉय यहां से निकलने का तय करते हैं। लेकिन तभी लिफ्ट में कैंग भी घुस जाता है, जिसका चॉय को पता नहीं चलता। और दूसरी तरफ बेसमेंट में चॉय के गुंडे कैंग का इंतजार कर रहे थे ताकि वो कैंग को मार सकें। लेकिन यहीं पर कैंग के 2 साइको किलर आ जाते हैं जो कि असाइलम से भागे हुए थे, जिनमें से एक को हम पहले देख चुके हैं। खैर अब दोनों साइको चॉय के सभी लोगों को मार देते हैं। और इधर कैंग चॉय को कहता है कि मुझसे मिलो, मैं ही कैंग हूँ। और ये सुनते ही चॉय का आदमी उसे मारने की कोशिश करता है, पर बहुत ही बेरहमी से कैंग उसे मार देता है। जिसके बाद कैंग मिस्टर चॉय को अपने साथ ले जाने लगता है, जिसे स्टीफन का आदमी CCTV में देख लेता है। लेकिन इससे पहले वो कैंग तक पहुंच पाता, कैंग यहां से भाग जाता है। जिसके बाद स्टीफन चॉय की वाइफ को कन्विंस करता है कि आप हमारा साथ दो, और स्टीफन की बात सुन चॉय की वाइफ मान जाती है। और तभी कैंग चॉय की वाइफ से $2 मिलियन की डिमांड करता है, लेकिन चॉय की वाइफ कैंग को कहती है कि मैं पैसे देने को तैयार हूँ, लेकिन अपने साथ मैं अपने ड्राइवर को लेकर आऊँगी क्योंकि मुझे कार चलानी नहीं आती। और थोड़ा सोचने के बाद कैंग मान जाता है, लेकिन ये सब स्टीफन के प्लान का हिस्सा था। अब क्योंकि कैंग सभी ऑफिसर को देख चुका था, इसलिए स्टीफन जेंगशू को प्लान में शामिल कर लेता है, जहाँ जेंगशू चॉय की वाइफ का ड्राइवर बनेगा। और पैसों को देख जेंगशू की नीयत खराब हो जाती है। और इधर कैंग अपने लोगों के साथ वनआई को कॉल करता है, जो कि क्रिमिनल्स को कंट्री से बाहर भेजता है। अब यहाँ पर वनआई ढेर सारे पैसों की डिमांड करता है, जिसके लिए कैंग मान जाता है। खैर स्टीफन की टीम चारों तरफ फैल जाती है और कैंग चॉय की वाइफ को घुमाने में लग जाता है, क्योंकि उसे शक था कि पुलिस उसके साथ है। और इसी चीज़ को कंफर्म करने के लिए कैंग अपने आदमी उसके पीछे लगा देता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि साइको किलर थे। और कुछ ही देर में स्टीफन का आदमी मिस्टर चॉय को ढूंढ लेता है, और इससे पहले वो चॉय को यहाँ से लेकर जाता, तभी पीछे से कैंग आकर उसे स्टैप कर देता है। और इससे पहले वो ऑफिसर को पूरा मार पाता, तभी बाकी पुलिस भी यहाँ पर आ जाती है, जिन्हें देख कैंग यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद वो अपने लोगों को कहता है कि पुलिस हमारे पीछे है, इसलिए पैसों को छोड़ो। अब कैंग की बात सुन दोनों को लगने लगता है कि कैंग ने उन्हें धोखा दे दिया, इसलिए दोनों मिलकर पैसों को लेने का तय करते हैं। जिसके बाद दोनों चॉय की वाइफ का पीछा करने लगते हैं, जो कि उनसे बचने के लिए एक मॉल में घुस जाती है, जहां जेंगसू कार को फंसा देता है। इसके चलते चॉय की वाइफ यहां से भाग जाती है, और मौका देख जेंगसू पैसों को लेकर भाग जाता है। और तभी कैंग का दूसरा आदमी चॉय की वाइफ का पीछा करने लगता है, और पहला साइको पुलिस ऑफिसर से भिड़ जाता है। लेकिन जल्दी ही दोनों ऑफिसर साइको किलर को संभाल लेते हैं। और दूसरी तरफ पहला साइको किलर चॉय की वाइफ को मारने वाला था, लेकिन तभी स्टीफन आकर मामले को संभाल लेता है। लेकिन इसमें साइको किलर की ढेर सारी हड्डियां टूट जाती हैं। और इधर कैंग जेंगसू को पकड़ने की कोशिश करता है, जिसके चलते दोनों की कार क्रैश हो जाती है। और इससे पहले कैंग उसे पकड़ पाता, जेंगसू टैक्सी लेकर यहां से भाग जाता है। और ढेर सारे पैसों को देख जेंगसू की खुशियां आसमान फाड़ देती हैं। जिसके बाद स्टीफन जेंगसू की फोटो मीडिया में भेज देता है कि ये बंदा वांटेड क्रिमिनल है। जिसके चलते अब जेंगसू वनआई को कॉल करता है, क्योंकि वही एक बंदा उसे कंट्री से बाहर भेज सकता था। और तभी वनआई के पास कैंग आता है, जिसे देख वनआई जेंगसू का पता बता देता है। और कैंग को देख जेंगसू लड़ने का तय करता है, लेकिन कैंग के खंजर को देख जेंगसू यहां से भाग जाता है। लेकिन जाने से पहले वो कैंग को देख लेता है, जो कि एक बस में बैठकर शहर छोड़ने का प्लान बनाता है,
क्योंकि चारों तरफ पुलिस कैंग को ढूंढ रही थी। और कैंग के जाते ही जेंगसू स्टीफन को कैंग के बारे में बता देता है और कुछ ही देर में स्टीफन पुलिस के साथ बस को घेर लेता है, जिसके बाद स्टीफन सारे लोगों को बस से बाहर भेज देता है, जहां कैंग स्टीफन को पैसों का लालच देता है कि 50-50 बांट लेते हैं। लेकिन स्टीफन पैसों से ज़्यादा फाइट से प्यार करता है, जिसके बाद दोनों में अमेजिंग फाइट होती है और थोड़े से एक्शन के बाद स्टीफन कैंग की हालत खराब कर देता है। खैर, अब सब कुछ ठीक हो चुका था, लेकिन इसके बाद हम एक पोपट की कहानी सुनते हैं। तो थोड़ी देर पहले जब जेंगसू पैसे लेकर भागा था, तब स्टीफन ने उसे मैसेज किया था कि सारे पैसों का नंबर मेरे पास है और जैसे ही तुम पैसों को खर्च करोगे तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और ढूंढने के बाद तेरी बहुत ही गंदी धुलाई करूंगा। मतलब जो भी भागने के बाद जेंगसू ने काम किया, जैसे कि वन आई को कॉल करना, ये सब स्टीफन के प्लान का हिस्सा था ताकि वो कैंग को पकड़ सके। और आखिर में बेचारे जेंगसू की हालत देख स्टीफन की हंसी निकल जाती है और इसी के साथ कैंग के सभी केस सॉल्व हो जाते हैं और वियतनाम पुलिस भी कोरियन ऑफिसर को थैंक यू बोलती है। और इसी के साथ ये मूवी की कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।